मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बीती रात महिला छत से गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घर वालों को इस बात की जानकारी सुबह हुई। संजय गांधी अस्पताल की चौथी मंजिल से महिला कूदी, मौके पर हुई महिला की मौत। रीवा के नगरिया मोहल्ले की रहने वाली, उसकी शादी माधवगढ़ कुलगवा सतना में हुई। इन दिनों उसका पति रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती था, उसी दौरान यह घटना घटी। बड़ा सवाल, महिला गिरी या कूदी, यह तो पुलिस जांच के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल अस्पताल की पुलिस चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए शव का पंचनामा कराकर शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें, सीमा चौधरी पति कौशल कुमार उम्र 33 साल रोज की तरह रात 10 बजे के आसपास अपने पिता के साथ संजय गांधी अस्पताल पहुंची, घर गई थी खाना खाने। दिन भर अस्पताल में थी, पिता उसको पहुंचाकर अपने घर चले गए। अस्पताल में पति पत्नी दोनों रह गए। इसी दौरान पति को नींद आने लगी, उसने अपनी पत्नी को भी सोने के लिए और खुद भी सो गया। पति की माने तो सुबह जब उसने अपनी पत्नी को बिस्तर में नहीं देखा, तब उसने इधर उधर तलाशा। इसी दौरान गार्ड अनाउंस करते हुए नजर आए, कोई सीमा चौधरी पति कौशल चौधरी अस्पताल की छत से गिर गई है। तत्काल ही वह वहां पर पहुंचा, गार्ड ने बताया उसकी मौत हो गई। महिला के पिता का कहना, हम चाहते हैं हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, हमें शक है हमारी बिटिया के साथ कुछ अनहोनी हुई है। हम आपको बता दें, एक समय रीवा के संजय गांधी अस्पताल की चौथी मंजिल से आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती थी। लोग वहां से कूद जाया करते थे, लेकिन पिछले अगर साल डेढ़ साल की बात की जाए तो इस दौरान इस तरीके की घटनाएं पूरी तरीके से रुक गई थी। काफ़ी अरसे बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरने या कूदने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन भी काफ़ी चिंतित नजर आ रहा है। फिलहाल महिला कूदी या गिरी, ये तो पुलिस की जांच के बाद तय होगा, लेकिन महिला की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई है, ये बिल्कुल सच बात है। महिला के पिता साफ तौर से कहते हैं, उन्हें बेटी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, कल रात तक सब कुछ ठीक ठाक था, मैं अपनी बेटी को रात को 10 बजे खुद लेकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। फिर कैसे हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत होती तो वो हमको बताती। हमने रीवा के संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के पास महिला के पति और पिता दोनों से बात की, सुनिए उन दोनों का क्या कुछ कहना था। एक साथ कब आप अंतिम बार मिले? कल 10 बजे जो है, तो इनके पिताजी जो है, सीमा के पिताजी अपने साथ लेके आए हैं और खाना खाए हैं, बिस्तर में जो है तो पढ़ रही है, हम भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इनको जो है सुबह जब 5 बजे उठा तो देखे बिस्तर पे नहीं है, तो हम देखें बाथरूम गए, देखें नहीं थी, फ़ोन लगाए, फ़ोन में चल रहा था लेकिन ये कोई उठा नहीं रहा था। इसके बाद ढूंढते ढूंढते गार्ड जो है अनाउंस कर रहे थे कि सीमा नाम की औरत जो है छत से गिर गई है और उनके पति का नाम कौशल कुमार है। जब हमने सुना तो उनके पास गए, पता चला कि वो ख़त्म हो गई। जी सर, ये भर्ती रहे दामाद हमारे, आज करीब 4 तारीख को भर्ती हुए थे, इनका शुक्रवार को ऑपरेशन हुआ तो बच्ची नहीं आई थी इनके साथ में, कल वो देखने आई है और रात के 10 बजे हम खुद पहुंचाए हैं, खाना खिलाए हैं, इसके बाद हम घर चले गए नगरिया। इसके बाद में हमको सुबह खबर मिली फ़ोन में कि वो बच्ची गिर गई है, तो हम घर से दौड़ के आए तो देखें तो यहाँ बाड़ी यहाँ पड़ी थी 7 नंबर के बाद फिर यहाँ मरचुरी में ले आए तो यहाँ ताला बंद किए हैं, इसके बाद हम चले गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार चौधरी। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।